मैटरहॉर्न ग्लेशियर पे हैं हम और बात करने वाले हैं लासिथ मलिंगा की। हैशटैग आकाशवाणी, और एक बार फिर मैं वही बात बोलूंगा, बार बार दोहराऊंगा कि आकाशवाणी और आकाश यात्रा वो आजकल एक दूसरे के साथ दोस्ती होगी उनकी, तो साथ साथ चल रहे हैं। अब बहुत ऊपर है हम, दिस इज द क्या, बहुत ही खूबसूरत है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है, यहाँ स्कीइंग का बड़ा जबरदस्त माहौल बनता है। लेकिन हम बनाने वाले हैं, हम करने वाले हैं बात एक ऐसी खिलाड़ी की जिसने माहौल बड़ा जबरदस्त बनाया। नाम है लासिथ मलिंगा, ही इज कॉलिंग इट क्विट्स। वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद वो वनडे क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, आखिरी मैच वो खेलने के लिए तैयार है। तो फिर लेट्स एक्नॉलेज कि उन्होंने किया क्या है। उनसे ज्यादा विकेट्स वर्ल्ड कप्स में आप पाएंगे नहीं किसी ने चटकाई हो। वो हैट्रिक उन्होंने ली, चार गेंदों में चार विकेट्स ली, और अभी भी जो उनका आखिरी विश्व कप था उसमें भी वो कमाल का काम करके गए। इनफैक्ट एक स्टोरी है, जब पहली बार मैं गया इंडिया ए की टीम से श्रीलंका में, तो सामने हमारा वो बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम से मैच था। वहाँ एक ऐसा एक गेंदबाज था जो ऐसे थोड़ा सा बड़े अजीब गरीब एक्शन से बॉलिंग कर रहा था। गौतम और मैं ओपनर थे, उसके बाद वहाँ ऋषिकेश कानितकर भी थे वहाँ पर, वो काफ़ी, और एम एस के प्रसाद भी थे जो अभी हमारे सेलेक्टर हैं, और पार्थिव पटेल भी थे। तो हम सब वहाँ पर थे, और इन्होंने बहुत लोगों के ग्लव्स मारी, बॉल मारते थे ग्लव्स के जाके लगती थी, फिर जॉकर लगती थी। रन बनाए थे मैंने, लेकिन उन्होंने जो गेंदबाजी की ना, लगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा गेंदबाज है, कुछ कमाल तो नहीं करेगा, क्या इनको खिलाएंगे। क्योंकि उसने थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स इतना है कि दैट इज री रिटन द रूल्स, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इतने अजीबोगरीब एक्शन से गेंदबाजी करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार आपको मौका नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर वो लंबे समय तक आप कर नहीं पाते। इन्होंने वो सब कुछ डिफाई किया, वंडरफुल इनका यॉर्कर जो डाउन आर्म से आता था, और स्लिंगिंग अंदर बहुत तेजी से अंदर की तरफ गिरता था, कमाल का इनका यॉर्कर। ये यॉर्कर स्लिंगा मलिंगा यॉर्कर के लिए अपने पहचाने जाएंगे, एक तीखे बाउंसर के लिए पहचाने जाएंगे, नॉर्मल ऑफ ब्रेक डालते हैं स्लोर वन उसके लिए वो याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल किया बल्लेबाजों को खेलना। इनफैक्ट जो उनको पहली बार खेलता है ना, वो सिर्फ उनको डिफेंस कर सकता है, शॉट मारने की सोच नहीं रखता। क्यों? क्योंकि शॉट मारना बहुत कठिन होता है, तो वो इस एंगल से करते हैं गेंदबाजी। और जसप्रीत बुमराह, मैं तो कहूँगा सिर्फ ये नहीं, उनके आने से बुमराह जैसे गेंदबाजों को भी मौका मिला है, क्योंकि लसिथ मलिंगा ने बताया कि अगर आपका थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, डजंट मैटर, यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल। तो जसप्रीत बुमराह का भी वो जो अजीब सा थोड़ा सा एक्शन है उसके साथ रहे जरूर है मलिंगा के साथ, बहुत उन्होंने उनको सिखाया भी है, और वहां से वो भी सीखे हैं कि चलो एक्शन कैसा भी हो, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि बॉल पड़ती कहां पे, यॉर्कर ठिकाने पे है, बाउंसर तीखी है, अगर स्लोर वन बढ़िया है तो फिर आप एक सफल गेंदबाज बन सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच लासिथ मलिंगा फॉर ऑल द मेमोरीज, सो दिस वंडरफुल आकाशवाणी इज डेडिकेटेड टू यू। और आपको भी है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इतनी ऊपर यार, जरमैट से भी ऊपर, मतलब मैटरहॉर्न पे आके हम बना रहे हैं, इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। चलो लाइक करो।